हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, IGPL आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडर्ड ऑन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट आउट हो चुके हैं। साथ में कंपनी की ओर से ₹10 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी यहाँ पे रिकमेंड किया गया है, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनांशियल रिजल्ट्स पे। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं फिनांशियल रिजल्ट्स पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्टैंडर्ड ऑन रिजल्ट्स शो कर रहा है, राइट हैंड साइड पे आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स शो कर रहा है और लैक्स में नंबर्स दिए गए। पहले हम लोग कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। इनकम है 610.8 करोड़ का। पिछले क्वार्टर 524 करोड़ का इनकम था और मार्च 22 क्वार्टर 519 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 560 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 490 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 419 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जो कि यहाँ पर अगर देखिए हो तो एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट्स में गिरावट आई। जो कि इस बार का प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 34 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 100 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो तेजी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो निकल के आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार का देखिएगा तो 38 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ था, मार्च 22 क्वार्टर में 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिल रहा है। EPS 12.39 रुपीज़ का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। तो गाइस, स्टैंडर्ड ऑन रिजल्ट जो कंपनी का पेश हुआ है, यहाँ पे अच्छा रिजल्ट पेश हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में सिर्फ गिरावट आई है, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा किया गया है। अगर हम बात करें इसका स्टैंडर्ड ऑन रिजल्ट्स पे, तो यहाँ पे इनकम जो है 610.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 524 करोड़ का था और मार्च 22 क्वार्टर में 519 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस 560 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 490 करोड़ था, मार्च 22 क्वार्टर में 419 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज किया, जिसके कारण कंपनी का ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट्स में गिरावट आई, जो कि 50.7 करोड़ का मार्च पिछले क्वार्टर में 34 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, मार्च 22 क्वार्टर में 100 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो तेजी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन है कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण। नेट प्रॉफिट है 38 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ था, मार्च 22 क्वार्टर में 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। EPS 12.41 रुपीज़ का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। तो गाइस, कंपनी का जो रिजल्ट निकल के आया है एवरेज है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में तेजी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी इतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं कर पाई है, प्रॉफिट में गिरावट है। इनकम तो तेजी है, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट आया है। तो गाइस, यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी अच्छी रिजल्ट पेश किया, बस क्या प्रॉफिट में गिरावट आने के कारण गाइस यहाँ पे थोड़ा सा एक ड्रॉबैक मुझे लगा कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरावट आई, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुआ है। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं प्रिंट करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स से पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।